प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स चोरी पर एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 2016 में जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उस साल यानी वित्त वर्ष 2016-17 में उन्होंने तकरीबन $750 यानी तकरीबन 55,000 रुपए का टैक्स दिया। इस दौरान उनकी कंपनी ने भारत में $1,45,400 यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का टैक्स चुकाया। अब जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, तो टैक्स भुगतान से जुड़ा ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में से 10 साल उन्होंने कोई टैक्स नहीं जमा किया है। इस पर ट्रंप की ओर से सफाई दी गई कि जितना उन्होंने कमाया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें घाटा हुआ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को ट्रंप सिरे से खारिज कर रहे हैं। हर बार की तरह उन्होंने कहा कि ये एक फेक न्यूज है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अपना निजी वित्तीय ब्यौरा जारी करना जरूरी नहीं है, लेकिन रिचर्ड निक्सन से लेकर बराक ओबामा तक सभी राष्ट्रपतियों ने निजी वित्तीय लेखा जोखा जारी किया था। ट्रंप ने इनकम टैक्स रिटर्न जारी करने से इनकार करते हुए इस परंपरा को तोड़ दिया है। हम आपको बता दें कि 1970 के दशक के बाद से ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कानूनी तौर पर उनके लिए ये जरूरी तो नहीं, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा बनाई गई एक अच्छी परंपरा को तोड़ दिया है।